शासन के निर्देश पर रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाए गए कोरोना नाइट कर्फ्यू का असर गुरुवार को भी महानगर की सड़कों पर देखने को मिला, जिसके तहत जिला पंचायत रोड, मुंशी प्रेमचंद पार्क रोड, शास्त्री चौक, नार्मल तिराहा स्थित अन्य प्रमुख चौराहों पर सन्नाटा देखने को मिला। इस दौरान नौका विहार रोड पर पुलिस ने वाहनों का चेकिंग कर कोरोना नाइट कर्फ्यू का पालन कराया और लोगों को कोरोना के प्रति सचेत भी किया, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया तथा जो भी दुकानदार हैं वे रात्रि 10 बजे से पहले दुकानों को बंद करके अपने घरों को चले जाएं तथा जो बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है। एसपी सिटी सोनम कुमार ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें, सुरक्षा ही कोरोना से बचाव है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, ये 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू है और सभी जो दुकानदार हैं उनसे अनुरोध है कि अपने सारे कार्य समाप्त कर 10 बजे के पहले अपने घरों में पहुंच जाएं। बाकी लोग भी अपने कार्य को समाप्त करके 10 बजे के पहले तक घरों में पहुंच जाएं, क्योंकि 10 बजे के बाद सिर्फ आवश्यक वस्तु की दुकानें ही खुली रहीं और सिर्फ आवश्यक कार्यों से ही लोग घर से बाहर निकल पाएंगे। सर, जो बेवजह निकल रहे हैं, जो भी बेवजह निकल रहे हैं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, उनका चालान किया जा रहा है, गाड़ियों के सीजर की कार्रवाई की जा रही है। सर, जनता से यही अनुरोध है कि मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें,
जो छोटे बच्चे हैं उनका खास करके ध्यान रखें। तीसरी लहर की तैयारी में सब रहें और इससे कम से कम लोग पीड़ित हों या प्रभावित हों, इसकी जिम्मेदारी हमारी और आपकी, और हम सबको इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना है।